इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल परिसर में आयोजित 554वें प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका तो राज्यवासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। साथ ही सीएम हेमंत ने सिख समुदाय के लोगों और देशवासियों को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। आज का दिन हम सभी के लिए काफी विशेष दिन है क्योंकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना स्थल पर मुझे मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कडरू और हिंदपीढ़ी मुख्य पथ के बीच सेतु निर्माण का शिलान्यास किया। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि गुरु नानक देव सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, अभी भी उनके बताए गए मार्ग पर जो चलता है वो सफल होता है। उनका शिलान्यास किया था और आज बड़े गर्व के साथ बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है, मैं ऐसे मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी इनको वाहिगुरु और धरती का रखे इसी तरह और मानवता का जो दायित्व है वो हम बस निर्वाहन करते हैं। आज नहीं कई बार मुझे इस परिसर में आने का मौका मिला, इस परिसर में कई सेवाएं की हैं तो स्वभाव पर में अभी तो लोग आना शुरू हुए हैं, अनगिनत लोग यहाँ एकत्रित होंगे और मैं प्रार्थना करूंगा कि सभी आप लोग यहाँ इस प्रवचन में जो लोग भी आए सकुशल आए, सकुशल वापस जाए पूरे परिवार के साथ। आप सब लोग सबसे पहले तो शुभकामना दूंगी, बधाई दूंगी पूरे देशवासियों को और राज्यवासियों को। गुरु नानक देव जी का आज 554वां प्रकाश पर्व है और उनके उपदेशों को याद रखने के लिए कहूंगी कि उन्होंने जिस तरह से हर जाति हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया, परोपकार में लगने को कहा, लंगर की व्यवस्था जो होती है यहाँ सभी लोग एक पात पर बैठ के खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, बड़े बड़े लोग अपने हाथ से भोजन परोसते हैं, जूते उठाते हैं, जूतों को रखते हैं अपने हाथ से, ऐसा हम कहीं भी किसी जाति धर्म में नहीं देखे हैं जो कि देखने को मिलता है। तो इस तरह से मानवता की सेवा करना सीखे लोग और धर्म के नाम पर कोई ना लड़े, जो आजकल राजनीति करते हैं लोग एक दूसरे से लड़ते हैं लड़ाते हैं वो बंद होना चाहिए क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार मतलब एक ईश्वर है, सबके ऊपर में एक ही है जो सबको संचालित करते हैं, हम उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं, इसलिए सभी धर्मों का आदर करें, किसी के प्रति नफरत ना फैलाएं और युवा पीढ़ी